हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डेटीमन में। एनसीईआरटी शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी हुआ है। आप सब भी जानते हो एनसीईआरटी की बुक जो है वो हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही यूजफुल ये रहती हैं। अभी जो है वो पूरे देश में एनसीईआरटी बुक्स ही लागू हैं। तो पांच जो है रीजनल इंस्टीट्यूट हैं एनसीईआरटी के देश भर में, जिसमें से एक में से जो है वैकेंसी जारी हुई है। यहाँ जो है कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी और जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, तो पूरे राज्यों से जो है आवेदन यहाँ कर सकते हैं। कोई भी आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। आयु यहाँ पर क्या रहने वाली है, योग्यता क्या मांगी गई है हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पीजीटी के कई सब्जेक्ट हैं, टीजीटी के भी कई सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा पीआरटी की भी वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी, सारी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेंगे और बहुत ध्यान से आप लोगों को ये चीज सुननी है। सैलरी यहाँ पर जो है पीजीटी के लिए 27,500 है, टीजीटी के लिए 26,250 है, पीआरटी के लिए 25,000 है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि सैलरी जो है वो कम है, क्योंकि एनसीईआरटी जो एक ऐसी रीजनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर पढ़ाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो 11 जुलाई की है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। फटाफट से हम देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए जो है क्या क्या यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो है, इसके लिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी कि 2 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपने किया हो। इसके अलावा जो है वो आपने एमए यानी मास्टर डिग्री जो है वो आपने की हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। बीएड यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर बीएड जो है बिल्कुल चाहिए। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट और इसके साथ में बीएड किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो है टीच थ्रू यानी पढ़ाने का जो आपका मीडियम रहेगा वो हिंदी भी हो सकता है और इंग्लिश भी, यानी दोनों ही यहाँ पर चलेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी आप पढ़ा सकते हैं। डिजायरेबल यानी कि अन्य में है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जहां भी डिजायरेबल वर्ड देखें वहां ये आपको दिमाग में रखना है कि ये अन्य में है। अगर आपके पास ये चीज है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर है तो ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, नोट मोर देन 40 ईयर, तो यहाँ पर जो है वो आप 40 वर्ष तक के यदि हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है पीजीटी ज्योग्राफी की भी बिल्कुल यही कंडीशन रहेगी, और 19 जुलाई को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा 10 साढ़े 10 बजे, ठीक है, सुबह 10:30 बजे। ज्योग्राफी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 11:30 बजे होगा, ठीक है। तो आपको सीधे जो है वो बायोडाटा फॉर्म लेके आवेदन, अभी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आप आवेदन करोगे और फॉर्म किस तरीके से दिखाई देगा, सारा कुछ फिल करके अपने ओरिजिनल फोटोकॉपी और फोटो लेकर जो है वो आप लोगों को डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाना है, ठीक है। टीजीटी ज्योग्राफी के लिए जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपने जो है वो बैचलर डिग्री यानी स्नातक आपने किया हो 50% अंकों के साथ, ठीक है, और बीएड जो है यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर लिखा है कि डेट ऑफ इंटरव्यू यानी इंटरव्यू तक जो है वो आपका बीएड कंपलसरी होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर टीजीटी में अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास जो है सीटेट भी मांगा गया है, यानी सीटेट जो है अपर प्राइमरी का सीटेट पेपर 2 जो है वो आपका पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए पढ़ाने का जो है यहाँ पर तरीका आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 35 साल कहा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि टीजीटी की अगर जो है वो आप बात करते हैं, टीजीटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपकी एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, सी टैट पेपर 2 जो है वह आपका पास होना चाहिए, और 35 वर्ष तक के यदि आप हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। ज्योग्राफी टीजीटी ज्योग्राफी के लिए 19 जुलाई को 12:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा, तो आप पहुँच जाएं 9 बजे तक तो आप पहुँच ही जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो है एनवायरमेंट कैसा है वो सब चीज़ें जो है वो आपको जानने को मिलेगी, थोड़ा जल्दी ही आप पहुँचें। हिंदी के लिए 20 जुलाई को, टीजीटी उड़िया के लिए 21 जुलाई, टीजीटी हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है, यहाँ पर आपसे केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है फिजिकल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। 35 साल जो है यहाँ पर एज मांगी गई है। प्री प्राइमरी टीचर्स की भी वैकेंसी है और इंटरव्यू 18 को होगा, और देखिए दोपहर के टाइम में होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th मांगी गई है 50% अंकों के साथ, और साथ में जो है वो 6 महीने का जो है डिप्लोमा मांगा गया है ECCE, ठीक है,
या फिर जो है 1 ईयर डिप्लोमा इन ECCE। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी के लिए 30 वर्ष इन्होंने निर्धारित की है। लास्ट में जो है एक वोकेशनल एजुकेशन टीचर की भी यहाँ पर डिमांड की गई है, 19 जुलाई को ही इंटरव्यू होगा। यहाँ पर डिप्लोमा आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में किया होना चाहिए और साथ में एज जो है वो 18 से 37 साल जो है वो आपकी मांगी गई है। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आप लोग जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है देखिए पेमेंट जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर PGT के लिए जो है 27,500 रुपये आपको मिलेंगे, 26,250 आपको TGT के लिए मिलेंगे और 25,000 जो है प्री प्राइमरी टीचर्स और वोकेशनल एजुकेशन टीचर के लिए मिलेंगे। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर के कहीं डिपोजिट नहीं कराएंगे ना ही पोस्ट करेंगे, यहाँ आपको रिपोर्ट करनी है यानी कि स्कूल में आपको पहुंच जाना है विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली 1 आवर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू टाइम। इंटरव्यू टाइम से 1 घंटा पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं रिक्वायर्ड वो सभी लेकर जो है वो आपको समय पर पहुंच जाना है। सो इसकी जो है ऑथेंटिक जो साइट है इस पर आप विजिट करेंगे, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे आप लोगों को दे दूंगी। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में आपको वैसे भी चलता हुआ नजर आ रहा है, देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ DM स्कूल टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन 2023 और 2024। यहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नोटिस न्यूज इवेंट और टेंडर ये दिया हुआ है। तो 11 जुलाई की अपडेट देखकर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ DM स्कूल टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर सेशन 2023 और 2024 इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट जो है वो नोटिफिकेशन जो मैंने आपको भी पढ़कर बताया ये एडवर्टीजमेंट 11 जुलाई की पूरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। और नीचे ही चले आए तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म मिल जाएगा, कहीं पर डिपॉजिट नहीं कराना है, फॉर्म को फिल करके आपको टाइम पर और 1 घंटा पहले आप लोगों को पहुंच जाना है स्कूल में। ठीक है, थैंक यू।